गुड मॉर्निंग ऑल। चैप्टर 6 रा की बातें, रा के विभिन्न रूप। बच्चों आज हम रा के विभिन्न रूप के बारे में जानेंगे, जैसे शब्दों में रा की स्थिति कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे होती है। जैसे ये देखिए, रस, रति, रात, ये शब्द के आरंभ में र का प्रयोग हुआ है। और जैसे ये भरना, डरना, तो यहाँ पर कहाँ हुआ, शब्द के बीच में रा का प्रयोग हुआ है। मोर, नहर, यहाँ इन शब्दों में रा का प्रयोग शब्दों के अंत में किया गया है। आगे देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में र एक अल्प प्राण घोष, अंतस्थ तथा मूर्धन्य ध्वनि है। इस व्यंजन की विशेषता है कि यह मात्रा के रूप में दूसरे व्यंजन से जुड़ता है। स्वर रहित रा को क्या कहते हैं हम, रेफ। स्वर रहित रा को व्याकरण की भाषा में रेफ कहते हैं। जब यह दो वर्णों के बीच में आता है तो यह अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है। जैसे देखिए, ध, र, म, ये ऐसे अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लग गया। जैसे आगे ध के आगे वाला वर्ण हो गया म, यह र म के ऊपर लग गया तो बन गया धर्म। क, र, म, कर्म। अब यहाँ पर कर्म में क के आगे वाला वर्ण म हुआ तो यह र म के ऊपर लग गया। नेक्स्ट, यदि आगे वाला वर्ण मात्रा युक्त होता है तो र उस आगे वाले वर्ण की मात्रा में जुड़ता है। जैसे प्र, आ, च, आ, र, या, प्राचार्य। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, प्रा, चा, और जब यहाँ पे आगे वाली मात्रा में यह यहाँ पे जुड़ जाता है, प्राचार्य। ऐसे ही ये है हर्षित, तो यहाँ पर ये र श पे जो मात्रा आई है उसके साथ जुड़ जाएगा। अब देखते हैं स्वर सहित र पदेन, उसको बोलते हैं पदेन। र से पहले यदि स्वर रहित व्यंजन हो तो यह अपने पहले वाले वर्ण के साथ अर्थात स्वर रहित व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है और इसके उस व्यंजन के पैर में लगने के कारण इसे व्याकरण की भाषा में पदेन कहा जाता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे क, ये यहाँ पर क के, यहाँ पर र कहाँ लगेगा, ये क के पैरों में, तो यहाँ इस र को हम बोलेंगे पदेन। और देखिए ये ग के साथ जो र है ये ग के पैरों में लगा हुआ है तो इसीलिए ये इस र को पदेन बोला जाता है। आगे देखते हैं, ये आप एक सीधी लाइन देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम पाई। पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों के साथ इसका प्रयोग हम ऐसे, ये जो तिरछी रेखा आप देख रहे हैं तिरछी रेखा के रूप में होता है। जैसे देखते हैं, जैसे हमने ये एक सीधी लाइन खींची इसको हम पाई बोलते हैं और उसमें अगर हम र का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ हम ये एक तिरछी रेखा बनाएंगे तो ये हमारा पाई के साथ र जुड़ जाएगा। जैसे ग प्लस र, अब इसको हमने ग के साथ जोड़ दिया ये बन गया ग्र। प प्लस र, प के साथ हम जोड़ेंगे, प में ऐसे सीधी रेखा के साथ जोड़ दिया प्र। आगे, जो व्यंजन नीचे से गोल होते हैं उनके साथ र उल्टे यानी के वी के आकार में लगाया जाता है। जैसे नीचे से देखिए, ये ट नीचे से गोल होता है, इसके साथ हम र कैसे लगाएंगे, उल्टे वी के रूप में ऐसे, ठीक है। ऐसे ही हमारा नीचे से गोल होता है ड,
ड के साथ हम रा लगाएंगे, ये भी हम उल्टे आकार का लगाएंगे वी शेप में। और इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं, जैसे द के साथ अगर हम रा का प्रयोग करते हैं तो देखिए द के साथ हम रा का प्रयोग कैसे करेंगे, ये द के इधर नीचे वाले यहाँ लगाएंगे, और हा के साथ रा का प्रयोग, हा के साथ रा का प्रयोग कुछ इस प्रकार होगा, जैसे कि ये हा है और ये इस गोल रूप में होगा। ता और श के साथ रा का प्रयोग कैसे करेंगे हम, देखिए ता के साथ अगर हम रा का प्रयोग करते हैं तो ऐसे बन जाएगा ये त्र, और अगर श के साथ हम रा का प्रयोग करते हैं तो ये बन जाएगा श्र।